my YouTube channel Plus PRAMESHELIB Library. Today we are going to see the important current affairs of AFAB, the analysis of the Hindu. So let's start. These are all the news articles we are going to cover today, and the pages details for different edition is also given here. The first news article is tribal tradition should continue, says Tamilisai. Okay, एक फेस्ट ट्राइबल फेस्ट की बात करी गई है इस आर्टिकल में, जो तेलंगाना में होता है. इट इज़ फॉर 4 days एंड द सिलेबस रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन अबाउट दिस आर्टिकल इज गिवन हाइलाइटेड हियर. सो दिस फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज समक्का सारालम्मा और मेदारम जतारा. ठीक है, इधर पे मेदारम एक विलेज है इन दी जयशंकर भोपाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना. ठीक है, तो उसी फेस्ट में क्या हुआ था, एक स्टोरी है फॉर अ मदर एंड अ डॉटर नेम्ड एज समक्का और सारालम्मा अगेंस्ट काकतीय रूलर्स. ठीक है, तो इस स्टोरी की बात करते हैं. जो एक गर्ल थी वो एक बार विलेज में खेल रही थी विद द टाइगर. ओके, तो उसको देख लिया किसने, खोया कम्युनिटीज़ के लोग ने. तो इससे देखकर उसकी ब्रेवरी को देख के उसे अडॉप्ट कर लिया. हैंड शी नेम्ड एज समक्का. ठीक है, जो मदर है उसका नाम समक्का हुआ. ठीक है, आफ्टर दैट शी मैरिड टू अ नियर बाय कम्युनिटी एंड फिर शी गेव बर्थ टू अ गर्ल नेम एज सारालम्मा. तो ऐसे सारक्का एंड सारालम्मा का जन्म हुआ. उसके बाद दे बोथ फॉट अगेन द काकतीय रूलर्स फॉर फोर्सिंग द ट्राइब्स टू पे टैक्सेस. और वो लड़ते लड़ते दे लॉस्ट देयर लाइफ. ओके, तो इन्हीं को इन दिस ग्रेटिट्यूड द कोया कम्युनिटी मेड बिल्ड द टेम्पल फॉर दिस सारक्का एंड सारालम्मा, समक्का एंड सारालम्मा. और इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल द ट्राइब ऑफर्स जैगरी, गुड़ चढ़ाया जाता है उन्हें, एंड जिन्हें बग्गार में बोलते हैं. ठीक है, इसमें और क्या होता है, दे टेक अ होली बाथ इन जमपुरा वागू, और जो रिवर है वहाँ पे, और इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड दी जमपन्ना वागू इज नेम्ड आफ्टर अ ट्राइबल वॉरियर जिनका नाम था जमपन्ना. तो जमपन्ना जो थे वो भी फाइट कर रहे थे अगेंस्ट दी काकतीय आर्मी, तो उन्हीं के नेम पे ये रिवर का नाम हुआ है. और ये जो सारक्का सारालम्मा फेस्ट है इसके बारे में कोई वैदिक या ब्राह्मणिक कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है अभी तक, ये सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड है फॉर देम एंड इट इज़ हेल्ड एनुअली और एवरी टू ईयर्स एंड ट्राइब्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड झारखंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस फेस्ट एंड इट अट्रैक्ट्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिवोटीज इन इंडिया आफ्टर कुंभ मेला. कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा फेस्ट होता है ये. और कुंभ मेला जैसा कि आपको पता होगा हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होता है इन 12 ईयर्स, और 4 जगहों पे होता है, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज एंड हरिद्वार. ठीक है, तो इस फेस्ट में इस आर्टिकल में यही था. नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विल डिस्कस दिस एट द एंड ऑफ दिस सेशन. नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, पीपल अर्ज टू प्यून एडिबल ऑयल कंजप्शन. द सिलेबस रेलिवेंट फॉर एग्जामिनेशन अबाउट दिस आर्टिकल इज हाइलाइटेड हियर. तो इसमें बात की गई है टू अर्ज पीपल टू कंज्यूम एडिबल ऑयल कंजप्शन. ठीक है, इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हेड जो हैं, जिनका नाम है त्रिलोचन महापात्रा, उन्होंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं फॉर द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द एडिबल ऑयल. तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है. ही अटेंडेड अ सेमिनार नेम्ड एज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन ऑयल सीड क्रॉप्स फॉर एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. इस सेमिनार में उन्होंने कुछ बात कही है, दो चीज़ें ऐसी बताई हैं नेसेसरी टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर द एडिबल ऑयल. उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑयल सीड्स एंड सेकेंड टू हैव कंट्रोल ऑन कंजप्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स. तो ये दो चीज़ें हैं, ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है हमारे इंडिया में, कंट्री में, फॉर द एडिबल ऑयल. तो इसी में बताया गया है.
न्यूज़ हमने देख ली, उसके बाद वेजिटेबल ऑयल्स मीन और दी एडिबल ऑयल्स, दो इस बात को समझते हैं। दे आर ग्रुप ऑफ फैट्स मीन्स एडिबल ऑयल्स और दी वेजिटेबल ऑयल्स आर ग्रुप ऑफ फैट्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम सम सीड्स नट्स सीरियल्स एंड फ्रूट और सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एडिबल ऑयल्स सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इंडियाज वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी इज वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट मीन्स आफ्टर US, चाइना, ब्राज़ील के बाद इंडिया का फोर्थ नंबर है इन इट्स इकोनॉमीज, वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट। देन द ऑयल सीड्स अकाउंट फॉर 13% ऑफ द ग्रास क्रॉप्ड एरिया, 3% ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, 10% वैल्यू ऑफ ऑल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। इंडियाज डाइवर्स एग्रो इकोलॉजिक कंडीशन फेवरेबल फॉर ग्रोइंग 9 एनुअल सीड्स, उस 9 हैं जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं सच एज ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड, सीसम, सेफ्लावर एंड नाइजर, ठीक है, और 2 नॉन एडिबल जो हैं वो है कैस्टर एंड लिंसिन। तो टोटल मिला के होते हैं 9, आउट ऑफ विच द 7 आर एडिबल एंड 2 आर कैस्टर एंड लिंसिन विच आर नॉन एडिबल। एज पर कैपिटल कंजप्शन ऑफ एडिबल ऑयल एट प्रेजेंट इज अबाउट 18 kg पर पर्सन पर एनम। यही बताया गया है कि पर कैपिटल कंजप्शन जो है ऑफ द ऑयल एडिबल ऑयल्स वो है 18%। एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016 एक डेटा बताया गया है जिसमें ये कहा गया है कि टोटल इंडियाज टोटल एडिबल ऑयल डिमांड इज 24 million टन्स और जिसमें हम इम्पोर्ट करते हैं 15 मिलियन टन्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है सिर्फ 9 मिलियन टन्स, ठीक है, मतलब 15 मिलियन टन्स जो है इम्पोर्ट हो रहा है, मतलब 60% अराउंड 60% इज इम्पोर्टेड एंड ओनली 40% इज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और एक और डिटेल सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि 2022 तक 33.2 मिलियन टन्स कंजप्शन होगा और जिसमें अभी 18 kg पर पर्सन आ रहा है तो वो 22 kg पर पर्सन आएगा इन 2022। जो अभी 18% पर कंजप्शन है पर पर्सन वो हो जाएगा 22 kg इन 2022, ये इसमें कहा है। और उसके बाद मेजर्स देख लेते हैं। येलो रेवोल्यूशन जो लॉन्च किया था 1986 में, उसका मेन मोटो वॉज टू जो भी हमारे ऑयल्स डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए फॉर दी लिंसिड। और उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड प्लान जो ऑर्गेनाइज हुआ था इन 2014 से 15 के अंदर। उसमें इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब उसमें पूरा ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और स्टेट का भी कुछ हिस्सा है, जो रेशियो 60-40 के रेशियो में, 60 गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 40 ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और इसी में नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उसमें 90% ऑफ दी गवर्नमेंट इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट और जो 10% हिस्सा 10% हिस्सा रहेगा वो किसका रहेगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का। दैन उसके बाद एक और मेजर इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन रिफाइंड पाम ऑयल और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन करने पड़ेंगे फॉर द रिफाइंड पाम ऑयल्स जो भी मालदीव से हम लेते हैं, मालदीव से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है जो रिफाइंड पाम ऑयल। उसके बाद डीजी ऑफ आईकैट क्या बोलते हैं, एडवाइस डे दैट देर इज़ अ नीड टू कंट्रोल और रेगुलेट द इनटेक ऑफ एडिबल ऑयल, दिस इज इज एडवाइस इज दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर यू हियर। द नेक्स्ट आर्टिकल हैबिटेट लॉस फील्ड लियोपार्ड्स, द सिलेबस रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन अबाउट दिस आर्टिकल इज हाईलाइटेड हियर। द हैबिटेट लॉस फील्ड लियोपार्ड्स, ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो लियोपार्ड्स हैं तो उनके उनकी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि 90% लॉस हो चुका है इन द लेपर्ड पॉपुलेशन इन अ सेंचुरी अगो। उसमें यही कहा गया है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
लेपर्ड पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया सबकॉन्टिनेंट डिक्लाइनिंग. तो एक रिपोर्ट है बाय सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII. व्हाट दे सेड इज कि अबाउट 75-90% ऑफ लेपर्ड पॉल्यूशन पॉपुलेशन रिड्यूस इन 120-200 ईयर्स. एंड लेपर्ड अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाईली अडॉप्टेबल बिलोंग टू द फैमिली फेलिडे. उसके बाद रीजन्स फॉर अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन आर मैन मेड कॉन्फ्लिक्ट, पोचिंग, हैबिटेट लॉस, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड एक्सेट्रा. दिस आर ऑल द रीजन्स फॉर डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन. आप इस मैप में देखिए, जो भी सारी कंट्रीज बताई गई हैं उसमें जो बिल्कुल रेड वाला डार्क रेड जो पोर्शन है उसमें सारी कंट्रीज में लगभग लेपर्ड्स एक्सटेंट हो चुके हैं. ठीक है, तो हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे सो दैट वी कैन लॉन्च अ प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर जो फिर स्पेसिफिक लेपर्ड्स के लिए हो ताकि उनको कंजर्व कर सकें टू प्रोटेक्ट देम. और नेक्स्ट में लेपर्ड्स इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, द वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू, शिवालिक एंड तुरैर. दिस आर ऑल द रीजन्स, वेरी लेस रीजन इनफैक्ट जहाँ पर लेपर्ड्स हैं. सजेशन टू कंजर्व लेपर्ड्स, फर्दर इकोलॉजी स्टडी एंड सिमिलर इनिशिएटिव एज प्रोजेक्ट टाइगर. फर्दर इकोलॉजी स्टडीज मीन्स कैसे एटमोसफेयर में वो रहते हैं, क्या क्या उनकी नीड्स हैं, तो इसके बारे में एक स्टडी सो दैट वी कैन कंजर्व दैट. और फिर कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते हैं लेपर्ड का. IUCN की जो लिस्ट है रेड डेटा लिस्ट, उसमें लेपर्ड्स को वल्नरेबल कैटेगरी में डाला हुआ है. उसके बाद इंडिया उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और उसमें इट इज़ कैटेगराइज अंडर शेड्यूल 1. और साइट्स के जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसमें अपेंडिक्स 1 में. द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर योर प्रिपरेशन इज ऑल्सो एंड दिस प्रैक्टिस सेशन में के बाद हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल, न्यू टैक्सेशन पॉलिसीज विल नॉट हेल्प द इंडियन प्रमोटर्स एंड HNIs. द सिलेबस रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर दिस आर्टिकल इज हाईलाइटेड योर. तो इस आर्टिकल में हम समझते हैं, न्यूज़ हमने देख ली. अब पहले हम DTT मीन्स डिविडेंड टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को समझेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल, जिससे जो शेयर होल्डर होता है वो ओन्स दी शेयर इन अ कंपनी, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर है उसका शेयर मतलब स्टेक है इन द कंपनी, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, सो द कंपनी अगर प्रॉफिट बनाएगी, इफ द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, सो अगेन ऑब्वियस की द पार्ट्स ऑफ द शेयर जो भी प्रॉफिट हुआ है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर. ठीक है, दिस रेगुलर पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड. इसी को बोलते हैं डिविडेंड. ठीक है, जो टैक्स ऑन डिविडेंड पेड बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर इज DD, दिस डिविडेंड. ठीक है, तो जो पहले जो DDT था वो कंपनी पे करता था, पर अब कंपनी विल नॉट पे द डिविडेंड, अब डिविडेंड विल बी पेड बाय द शेयर होल्डर. ठीक है, जिसे डिविडेंड मिलता है, यही इस न्यू टैक्सेशन पॉलिसी में बताया गया है. फिर से, जो DDT पहले कंपनी पे करता था वो अब कंपनी पे नहीं करेगा. जो कंपनी को से शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता था अब दैट डिविडेंड विल बी पेड बाय द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर पे करेगा विथ हिज इनकम टैक्स. ठीक है, DDT टैक्स ऑन डिविडेंड पेड बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर्स एट टैक्स एट सोर्स मीन द कंपनी. इसके साथ 15% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस विच अकाउंट्स अराउंड 20%. न्यू टैक्सेशन पॉलिसी, डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी विल रीच शेयर होल्डर इन फुल, then taxed and per cap income tax slab applicable to the recipient. New taxation policy में ऐसा ही है कि it will be paid by the person who is getting the dividend from the share from the company as per as the new taxation slab.
Objective: companies or corporate, if freed from DDT, earlier tax amount now in the hand of company. More investment, more dividend to a shareholder, India can become an attractive destination for investment. इसका ऑब्जेक्टिव कि जो पहले जो कंपनी पे करता था डिविडेंड वो कंपनी पे नहीं करेगा, तो अगर कंपनी पे ही नहीं करेगा तो जो शेयर होल्डर होगा उसके पास जाएगा पैसा, पर प्लस जो कंपनी के पास जो पैसा रहे, अब जो सरकार को चले जाता था पैसा एज द डिविडेंड, तो वो पैसा सरकार के पास नहीं जाएगा, वो कंपनी के पास ही रहेगा, तो कंपनी इसे और किसी काम में लगा सकती है फॉर द इन्वेस्टमेंट. तो इट विल लीड टू एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट. द कमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर फॉर द आर्टिकल विल बेनिफिट ओनली स्मॉल इन्वेस्टर दोज अंडर लो इनकम टैक्स स्लैब. तो उनके हिसाब से इट विल बेनिफिट ओनली स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड नॉट द बिग इन्वेस्टर्स. एंड एन एच एन आईज मीन्स द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, क्योंकि जो टैक्स स्लैब्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर इनकम हाई है तो उनको ज़्यादा टैक्स तो पे करना है. फॉर एग्जांपल अगर इनकम उनकी 10 लाख से 12.5 लाख है तो उनको 20% तो इनकम टैक्स देना ही है. तो इसमें यही है कि इट विल बेनिफिट ओनली स्मॉल इन्वेस्टर, जिनकी इनकम कम है तो वो इनकम टैक्स कम ही देंगे. The practice question we'll discuss at the end and previous question for your preparation. The next news article is credit debit card details of 4 lakh Indian up for sale. This syllabus relevant for examination is highlighted here. इस आर्टिकल में क्या बताया है, जो भी हमारे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स हैं वो दे आर अवेलेबल फॉर सेल इन डार्क वेब, और उसमें ज़्यादातर भी 98% डेटा इंडियंस का है. ठीक है, ये इसमें बताया है. कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, कार्ड नंबर्स, एक्सपायरेशन डेट, सीवीवी एंड सीवीसी कोड्स, मतलब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू एंड कार्ड वेरिफिकेशन कोड, उसके बाद कार्ड होल्डर्स फुल नेम, ईमेल्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस. तो जो भी हमारी बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती हैं तो वो सब दे आर फ्रीली अवेलेबल टू सेल. और इसमें फुल्स का एक टर्म लिखा हुआ है, फुल्स, इसका मतलब होता है ऑल द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फुल्स बाय द हैकर. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल फॉर द हैकर्स, और इसमें 90% इंडियंस हैं. मोर देन 4.8 लाख पेमेंट कार्ड डिटेल फॉर सेल इन जोकर स्टैश. अब जोकर स्टैश समझते हैं लार्ज डेटाबेस ऑफ स्टोलन कार्ड डिटेल्स, उसको दैट इज जोकर स्टैश. डेटाबेस इज वैल्यूड अराउंड $4.2 million, दैट इज अराउंड 30 crore rupees. इंडियन वैल्यू इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इट इज़ फॉर्म्ड इन 2004 under the Ministry of Electronics and IT, Indian National Nodal Agency for responding to cyber security incident, and its function include a collection, analysis and dissemination of information on cyber incidents, forecast and alerts of cyber security and incident. Emergency measures for handling cyber security incidents, coordination of cyber incidents and response activity. So ye sare iske function. What, how data is compromised, then three reasons. Malwares ka matlab hota malicious software, it invades, damage or disable computer, networks and mobile services, etc. and takes partial control over the device operation, for example Sandhog and Pegasus. Do example hai isme. First of all Sandhog, matlab iska ye hai ki ऐप्स पे इसका निशाना रहता है. ठीक है, ऑन पेगासस इसका ऑन व्हाट्सएप, सो दे कैन हैक व्हाट्सएप एंड ऐप्स, सो दिस ऑल डिटेल्स कैन बी हैक्ड एंड ट्रांसफर्ड एंड कैन बी देयर फॉर सेल. उसके बाद फिशिंग, अटैकर गैदर ऑल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग डिसेसिव ईमेल्स एंड वेबसाइट. फिशिंग इज ऑल्सो
a type of hacking in which the attacker gather all informations by the using emails and website. Website or emails use karke sare details can be hacked. Uske baad JavaScript or JS sniffers, program used for stealing credit and debit card information from e-commerce website. जो e-commerce website है उनसे सारा data hack कर leak कर लिया जाता है for stealing the credit and debit card information. उसके बाद the practice question for you and we'll discuss all this question practice question now. First, the abolition of DDT is likely to result in first drastic rise in FDI flows, second narrow the physical deficit, make India an attractive destination for investment, and fourth is increase the level of income and employment. So iska correct answer hoga will be option number C jo humne dekha in the previous discussions. Next, consider the following statement. The quantity of imported edible oil is more than the domestic production of edible oil in the last 5 years. The government does not impose any custom duty on the imported edible oils as a special case. So the correct option here will be only option 1. That is, the correct option is only A. Then next, with reference to India's culture and tradition, what is Samakka Saraka Jatara? It is a tribal fest of the Koya tribes in Telangana. A Buddhist fest associated with Jataka tales. It is a tribal fest of the Goon tribes in Jharkhand. It is an ancient martial art tradition in Kerala. Then the correct answer here will be option number C. Option number A. Correct option here will be option number A. It is the fest of Koya tribes in Telangana. Next, consider the following statement regarding certain. It is in the National Nodal Agency for responding to cyber security incident. It functioned under the Ministry of Home Affairs. So correct answer here will be answer the option A, only one. Because it can it function under the Ministry of Electronics, not in Ministry of Home. Next question, what are the possible reasons for the decline in the population of leopards in India? First, man-animal conflict, poaching, less availability of prey, habitat loss. The correct answer here will be option number 4. All are correct. 1, 2, 3 and 4. So, this was today's discussion. I hope आप सबको समझ में आया होगा. And अगर आपके कोई भी queries हैं, कोई भी suggestion है, तो आप please comment section में comment करके जरूर बताएं. And subscribe करना ना भूलें. Thank you.